हाँ हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग अब पार्टी देंगे तो अपने उधर की तरफ देंगे नॉर्थ में, क्योंकि इतने सारे नॉर्थ इंडियंस यहाँ बुला के फायदा नहीं है. और मैंने सोचा इतने सारे यहाँ पे आ गए तो फिर यहाँ खाने में कमी निकालेंगे. ये रोज नाश्ते में पोहा कौन खाता बे? हर चीज में राई का दाना, कड़ी पत्ता क्यों है? मैंने इनको उधर ही निपटा, पूरी कचौड़ी छोले भटूरे वाली पार्टी है. तो अपने फंक्शन रखवाया अम्बाला में, ससुराल है लुधियाना में, उससे एक डेढ़ घंटा दूर पे है अम्बाला, अम्बाला कैंट. उसमें हमने इसलिए रखवाया क्योंकि मेरे कजिन की है वहाँ केटरिंग. हमें ब्राह्मण कोई पैदा हो तो हमें खिलाओ, कोई मर जाए तो हमें खिला, हमारी शादी हो तो हम कैसे खिला दे, उसमें अपने ही केटरिंग लगवा दो. तो हमने लगवा दिया और एक लिया बैंक्वेट हॉल, जिसमें हमें ये नहीं चाहिए था कि गेंदे का फूल सड़ा हुआ क्यों, गुलाब ऐसा क्यों. एक बार पैसे दिए, करा दे जो कराना है, सजावट करा दी. वाइफ बोली अब ठीक है, एक बार कोर्ट में वो वर वधू की कुर्सी वाली शादी कर चुके, अभी हम क्या करेंगे ना. हम लोग बैंड्रा में देखते हैं कई बार वो क्रिश्चियन वेडिंग्स का शूट हो रहा होता है, वो वाइट कपड़ों में ऐसे फूल उल ले गए सज के सब जा रहे होते. तो बोली ना, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गो हैंड इन हैंड लाइक क्रिश्चियन वेडिंग्स इन अ वेरी क्लासी वे. We'll keep those round tables and meet every relative in a very classy way. मैं को उसके लिए relative पहली बात तो classy होने चाहिए. ऐसा ना होना कि वो जाके कहे बुआ जी नमस्ते, हाय बिलाबू दिखाई के बहू आ गई भैया, राम राम राम. किसी को गश खा के हार्ट अटैक ही ना आ जाए किसी को. सर ये सरप्राइज नहीं देते. बोले we'll keep those round tables but we'll not keep those two red tacky chairs on stage. मैं कहा देखो अब अंग्रेजी बंद करो, गोल मेज रहे ना रहे लेकिन लाल कुर्सी रहेगी, क्योंकि लिफाफे भाई आते हैं, थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हो. कुछ ऐसे भी आते हैं, अरे शर्मा जी हम तो आए थे लिफाफा देने, आप ही दिखाई नहीं दिए. Okay, ऐसी शिकायत का मौका किसी को नहीं दूंगा. मैं 6 घंटे मुंह रोक के स्टेज पे बैठा, अब भाग के दिखाओ कौन भागेगा, सब लिफाफे चाहिए आज. वो मैं 6 घंटे यूं बैठा रहा. मैंने दो एक और चीज होती है शादियों में जिसे कहते हैं दारू को प्रोग्राम. अरे प्रोग्राम क्या रखा है? कुछ आपके कजिन होते पंजाबी कजिन जो आते हैं कान के पास, भैया लिमका बोर्ड का मिला के दूं क्या? 4 घंटे से तो रोक रखी है, पेट में बुलबुले बन जाएंगे. इससे पहले कि ये मोगरा जूता उतार के मारूं ना भाग जाए यहाँ से. सबको स्कॉच पिलाई जाएगी बढ़िया, मतलब शादी में बाकी कुछ भी कम हो, लेकिन शराबियों की शराब कम नहीं होनी चाहिए, वरना ये साले सब्जियों में कमी निकालेंगे. इन पिला पिला के इनकी जबानें सुन कर दो, पियो पियो. अब मैं गया 6 घंटे से जो रोक रखा था वो करने के लिए. जब आप 6 घंटे मूत्र रोकने के बाद वॉशरूम में जाते हो तो आप गाना भी गाते हो, सारे बाहर से आवाज आ, अरे अरे भैया प्लम्बर बुला, लगता अंदर कोई पाइप फट गया. बाहर निकला मैं शेरवानी से हाथ वात अंदर पोंछ लिया, मैं ऊपर से ऐसे कर लो कवर कैसे दिख रहा है, पजामे में अंदर से वैसे भी इतनी गर्मी लग चुकी है, सोमालिया बना हुआ है. इससे मुझे ये भी याद आता है वो जेंट्स वॉशरूम में होता है ना, जेंट्स वॉशरूम में तुम कभी देख लॉन्डो को तो पता ही होगा, एयरपोर्ट वगैरह पे होता है, लोग जा रहे हैं मूतने के लिए, वॉशरूम वहाँ से शुरू हो रहा है जो भाई साहब बैठे हैं वहाँ से, पर वो क्या करेंगे यहाँ से ही खोल लेंगे. ये चौथाई सेकंड का प्रोसीजर था, ये वहां जाके भी खोला जा सकता था, आगे वाले के पीछे देगा क्या, वो हट जाए तो खोल लेना. आगे बढ़े, हमने शादी में एक शर्त लगाई थी कि अरिजीत सिंह के गाने नहीं बजेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे अपनी शादी की लाल कुर्सी पे बैठ के हम अपने अपने एक्स को मिस करें. हमने इसलिए भी डीजे लगवाया था, हमको चाहिए नहीं था कि वो हाईवे के ऊपर बारात घोड़े वाली वो बारात जाए. हाँ, क्योंकि अभी वो क्या होता है कि हाईवे के ऊपर रात को शहर से 10 किलोमीटर बाहर मैरिज पैलेस बना हुआ है और वहाँ पे
कुछ लोग चल रहे हैं कंधे पे वो रख के इलेक्ट्रॉनिक लालटेन, जिसमें से चार तार निकल रहे हैं, बीच में एक बिजली का टेप भी लगा हुआ है काले रंग वाला, और आगे उसके आगे दूसरा बंदा चल रहा है, दूसरी तरफ भी चल रहा है, इस बीच में बारात की हद है। और सबसे आगे बाबू बैंड का ठेला, जिसमें एक बत्तख इधर एक बत्तख इधर, बीच में खड़ा मास्टर असलम, 5'7" का एकदम कांप ठिड्डी आदमी, जिसमें सर पे चार बाल इधर, चार बाल इधर, चार बाल इधर, चार बाल इधर। मैं कहा इनको भी उड़ा ही लेता, ये डीएनए टेस्ट के लिए रखे। और मुंह में वो तंबाकू स्ट्रेटेजिकली दबा के रखते चूने वाला कॉर्नर में, हेड़े जली जली, मन ये नहीं चाहिए अपनी शादी, मैं डीजे लगवाऊंगा। रात को 11:30 चलते हैं हाईवे पे 150 की स्पीड पे ट्रक, और ट्रक वाले ने अपना प्रोग्राम कर रखा होता है। और जब 150 की स्पीड पे रात को ट्रक ऐसे लहराता है ना, और 250 लोगों की बारात नाचते हुए जाते हैं, जूली 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 कि ना, मैं कीचड़ में जाके कूदा था जान बचाने के लिए। इस बीच में बारात हाईवे पे चल रही है, सबसे पीछे जनरेटर है, लेकिन कुछ खुरकी लोगों को लग रहा है कि लोग आगे नाच रहे हैं, हम पीछे नाचेंगे। वो दारू पी के जनरेटर के सामने नाच रहे, जो जनरेटर के सामने नाच रहे हैं, उनके जनरेटर के धुएं से मुंह काले हो रहे हैं। बीच में लोग नाच रहे हैं, बीच में सबसे बढ़िया होती हैं आंटियां नाचती हुई, जो एक रैक्सीन का पर्स भी संभालती हैं, जो पर्स यहां तक भी हो सकता था लेकिन वो यहीं बगल तक का होता है, तो ना वो लटकता है ना वो संभलता है, वो ऐसे होता है, अरे पल्लू होता है जिसको संभालती है, कभी कभी खुद को, कभी बैग को, कभी किसी के बच्चे को संभालती है, और वो ऐसे नाच रही होती हैं। और इन्होंने जिंदगी में दो ही मौकों पे कार्डियो किया होता है, या तो किसी के लेडीज संगीत की ढोलक पे, या फिर वो भगवती जागरण में चादर के नीचे आग लगा के माता आई होती है। ओ ले ले ले। मेरे ही पैर में तार लिपट गया। तो ऐसी एक निर्मला बहन जी नाच रही शादी में, और मेरा सारा ध्यान उन्हीं के ऊपर कि ये कैसे नाच रही है, और वहां बैंड बज रहा है, टैग 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 उन्होंने जब ऐसे हाथ किया ना, मेरा सारा ध्यान उनके हाथ पे, क्योंकि वो हाथ जा रहा बिजली के तार पे उस पॉइंट पे जहाँ टेप लगी हुई है, मैं फोकस में देख रहा हूँ। अगर ये हाथ इस तार में टच हुआ तो ये पता नहीं चलेगा कि नाच रही थी या खेल गई। थैंक यू वेरी मच, यू Thank you for coming. It.